अंबाला छावनी के सेंट्रल फिनिक्स क्लब में आजादी के जश्न के नाम पर देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों का बड़ा अपमान किया गया। जहां एक ओर मंच पर देशभक्ति के गीतों पर तिरंगे लहराए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मंच के नीचे शराब के जाम छलक रहे थे। आजादी के जश्न में इस तरह शराब परोसने का वाकया बेहद शर्मसार कर देने वाला है। दरअसल सेंट्रल फिनिक्स क्लब में आजादी का जश्न मनाने के लिए इनविटेशन कार्ड बांटे गए थे। उसी इनविटेशन कार्ड में तंबोला यानी जुआ खेलने का न्योता भी दिया गया था, जिसमें कैश प्राइज रखे गए थे। इसके अलावा उसमें स्कॉच विस्की पीने का भी न्योता था। क्लब में हुए कार्यक्रम में बाहरी लोगों का जाना मना है, लिहाजा मामला कुछ दिनों के लिए दबा दिया गया था। लेकिन कार्यक्रम का इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद हर कोई इस कार्यक्रम की बड़ी निंदा कर रहा है। साथ ही क्लब के चेयरमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सेंट्रल फिनिक्स क्लब के चेयरमैन सुमित जिंदल ने सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन क्लब की प्रेसिडेंट यानी डिविजनल कमिश्नर को बताकर किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रथा 1982 से चली आ रही है और उन्होंने सिर्फ उसी प्रथा का अनुसरण किया है। सर, मैं कह चुका हूँ कि हम सभी शहीदों का सम्मान करते हैं। शहीदों की भावनाओं को या किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना हमारा कोई काम नहीं था। जो पूर्व में होता आ रहा था, जो पूर्व लोग हमारे क्लब के पास चेयरमैन पास पदाधिकारी जो कार्यक्रम करते रहे, सिर्फ उसी को देखते हुए हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, जिसमें हमारे सेक्रेटरी, ट्रेजरर और हमारी कार्यकारिणी समिति के जो बाकी सदस्य हैं, उन्होंने मिलकर जो फैसला लिया, हमने वही कार्य किया। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम इस कार्यक्रम को आगे कभी दोबारा नहीं करेंगे। देखो जी, मैसेज उनको भेजने का काम हमारे मैनेजर का होता है और वो तो वही बता पाएंगे जी। अप्रूवल लिया था सर, आप चेयरमैन हैं, उनसे अप्रूवल लिया था आपने? डिविजनल कमिश्नर जो है वो इसकी प्रेसिडेंट होती हैं, क्या उनसे जो है आपने अप्रूवल लिया था ऐसा कार्यक्रम करने से पहले? देखो, कोई भी एक कार्यक्रम होता है तो हमारे कमिश्नर मैडम के नोटिस में तो जरूर लाया जाता है कि ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जी। यानी उन्हें मालूम था, वो भी बराबर की जिम्मेवार है? जिम्मेवारी तो आप ये तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि हमने लेकिन उनको इंटीमेट किया था कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वहीं फिनिक्स क्लब की डिविजनल कमिश्नर रेणु फूलिया ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो छुट्टी पर गई हुई थी और उनके संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने क्लब से एक्सप्लेनेशन कॉल करके उनके कमेंट मांगे हैं और उनका जवाब आने के बाद ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो, मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया है तो क्योंकि बीच में तो मैं 3-4 दिन छुट्टी गई हुई थी, तो कल मैंने आकर के उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है। एक्सप्लेनेशन क्या, कमेंट्स हमने मांगे उनके, कल ही लेटर जारी किया, 2 दिन का टाइम दिया उन्हें। अगर जब वो आ जाएंगे तो हम जो भी कार्रवाई बनती होगी उनके खिलाफ करेंगे। मैम, आपको लगता है कि काफ़ी गलत किया शहीदों के नाम पर इस तरीके से? देखिए, मैंने अभी उनका जवाब आने तक इंतज़ार करेंगे, जब तक उनका जवाब नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। मैडम, जो चेयरमैन हैं उनका काम कहना है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि आपकी नोटिस में डालकर ये कार्यक्रम किया गया। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे नोटिस में नहीं है, क्योंकि अगर मेरे नोटिस में होता तो मैं जरूर जाती उनके फंक्शन में। एक्साइज कमिश्नर आलोक पासी ने भी कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में अभी आया है, जिस पर वो कमेटी बिठाकर इसकी जांच करवाएंगे। साथ ही इस अशोभनीय कार्य के लिए क्लब पर एक्शन भी लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्लब के बार लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मुझे आपके माध्यम से पता चला अभी कि ये इस तरह से कुछ हुआ है और कार्ड में इस तरह छपा हुआ था और इस तरह ये किया गया है, इसका मुझे संज्ञान आपके माध्यम से पता चला है। और मैं इसके ऊपर जो है इसको देख करके कैसे हुआ और किसने किया, कौन लोग थे, और इस पे एक कमेटी बना करके इसकी जांच करवाता हूँ और जो भी इस पे के ऊपर उचित कार्रवाई होगी वो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, इनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये जो उन्होंने अशोभनीय काम किया है इस मौके पर, जो शहीदी हम जो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर, और ये चीज़ जो है ये अशोभनीय है, निंदनीय है, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए और ये जो भी उचित कार्रवाई बनती है इसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपना बना करके, कमेटी बना करके करेंगे।
देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक बर्दाश्त के बाहर है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ जारी है। अब देखना होगा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक हो पाती है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।